हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको ब्रेड से बनी एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी देने जा रही हूँ। ये मिठाई आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इस मिठाई को आप 2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। तो इस होली बहुत ही कम बजट वाली मिठाई और बहुत ही आसानी से बनने वाली मिठाई को ट्राई जरूर करें। इस मिठाई को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी गाइस कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल कुक विद सोफिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे हर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस टेस्टी मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड के 4 स्लाइसेस लिए हैं। सबसे पहले हम इनके किनारे कट कर लेंगे, तो एक नाइफ की हेल्प से आप इसे कट कर लें। तो देखिए, मैंने इसके साइड्स कट कर लिए हैं। अब बीच से हम इसे कट कर लेंगे 2 पार्ट्स में। अगर आपके पास बड़ी ब्रेड है तो आप 4 भागों में इसे कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी के सभी ब्रेड को कट कर लेते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं सभी ब्रेड्स को मैंने कट कर लिया है। ये जो साइड्स बचे हैं इन्हें आप फेंके ना, आप इनके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने कढ़ाई गैस पे गर्म होने के लिए रख दी है। जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है मैं उसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल दूंगी। बेसिकली मैं ब्रेड को फ्राई करूंगी घी में। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप यहाँ पे तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो घी को मेल्ट होने देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम ब्रेड को फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चीनी का बुरादा भी बना लिया है, यानी कि शुगर पाउडर तैयार कर लिया है मिक्सी में पीस कर। इसे मैंने एक प्लेट पे फैला कर रख लिया है। तो आपके पास जो भी चीनी है घर में उसे आप मिक्सी में चलाकर उसका पाउडर बना लें और प्लेट में फैला कर रख दें। यहाँ पे घी हमारी मेल्ट हो गई है तो हम उसमें ब्रेड के पीसेस डालते हैं ताकि हम उन्हें फ्राई कर पाए। मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि दिवाली में हम अक्सर मिठाई घी पे बनाते हैं ज़्यादातर। अगर आपके पास घी नहीं तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट घी में इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो हम अब ब्रेड को पलट लेंगे और इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। हीट ज़्यादा नहीं रखनी है, नहीं तो ब्रेड के पीसेस जल जाएंगे। हमें इन्हें क्रिस्पी फ्राई करना है तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही ये क्रिस्पी अच्छे से फ्राई होते हैं। तो इस तरह से पलट पलट के हम इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए गाइस, 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारे ब्रेड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमें इसी तरह का थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करें नहीं तो ये जल जाएंगे। तो इस तरह का कलर हमें चाहिए, ये ब्रेड में आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो इसी तरह से बाकी के सभी ब्रेड्स फ्राई कर लेंगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सभी ब्रेड के पीसेस फ्राई हो गए हैं। हमारा जो यहाँ पे रिमेनिंग घी बचा हुआ है उसी में हम इसके लिए मावा तैयार करेंगे। हम यहाँ पे इंस्टेंट मावा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले 1 कप दूध मैं इसमें डाल दूंगी। तो मिल्क को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे है अभी। तो इसी टाइम पे हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे अगेन 1 कप लिया है। तो आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम डाल देंगे। तो हम इसे ठंडे दूध में ही ऐड कर रहे हैं ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर घी नहीं बचा हुआ है तो आप इसमें 1 टीस्पून के करीब घी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे लो फ्लेम पे ही, ताकि इसमें जितने भी लम्स है ख़त्म हो जाए और ये लम्स फ्री हो जाए और अच्छे से बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए और साथ ही गाढ़ा भी होना है इसे।
तो इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ ही मिनट के बाद, लगभग एक मिनट के बाद ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इस टाइम पे मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स पिंक कलर के इसमें ऐड कर दूंगी। आपके पास जो भी कलर है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या बिना कलर के भी आप इसे बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा इसमें एक कलर आ गया, आप देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, हमने इसे लगातार चलाते हुए बनाया है और लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर ही अच्छे से गाढ़ा सा हो गया है, बिल्कुल मावा हमारा बन गया है। तो इसे हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो देखिए मावा भी हमारा ठंडा हो गया है। यहाँ पे हमने पाउडर शुगर को भी ले लिया है। अब ब्रेड के पीसेस जो ठंडे हो चुके हैं उन्हें हम इस तरह से इनमें कोट कर देंगे, जिससे कि ब्रेड के पीसेस अच्छे से मीठे हो जाएं और ये देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगने लगेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है ब्रेड के पीसेस को मीठा करने का, और इससे इनमें मीठापन तो आता ही है, साथ ही आप काफ़ी दिनों तक इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं क्योंकि ये गीले से नहीं है। तो आप ब्रेड के पीसेस को ठंडे करने के बाद ही कोट करें, नहीं तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अच्छे से सभी में मैंने पाउडर शुगर कोट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा मावा भी अच्छे से ठंडा हो गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा कलर मिक्स किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा मावा लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से कोट कर देंगे। आप देख सकते हैं एक लेयर बनानी है बेसिकली हमें, तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा ले और अच्छे से इसमें लेयर बना दें एक। तो मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसमें लेयर लगाई है। तो इसी तरह से आपको लगा लेनी है सभी ब्रेड्स पर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो थोड़ी सी मोटी लेयर ही लगाएं, जिससे कि ये और भी ज़्यादा बढ़िया लगे खाने में। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने एक और ब्रेड में आपको लगाकर दिखा दिया है। इसी तरह से सभी ब्रेड के पीसेस को तैयार कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं गाइज, कितने अच्छे से कोट होकर हमारी ब्रेड के पीसेस तैयार हो गए हैं मावे से, और इंस्टेंट मावे से आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कोकोनट डस्ट ले लेंगे, जिसे आप कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा भी कहते हैं, खोपरा भी कहते हैं, काफ़ी लैंग्वेज में अलग अलग इसे कहा जाता है। तो हम इसके ऊपर से इसे स्प्रिंकल कर देंगे। तो इसके ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए हम सभी ब्रेड्स में इसे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है। तो इसी तरह से सभी पे स्प्रिंकल कर लेंगे। नारियल का बुरादा इस तरह से डस्ट करने से ऊपर से ये काफ़ी ज़्यादा लुक वाइज भी अच्छा दिखता है, और टेस्ट वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो ये देखिए, हमने इसे रेडी कर लिया है। तो इस तरह से हो गया है ये तैयार। तो आप चाहे तो इसे एज इट इज़ भी खा सकते हैं। मैं थोड़ा सा और डेकोरेट कर दूँगी इसे बादाम के पीसेस से। तो इस तरह से बादाम के पीसेस को मैं बीच से कट करके इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप किसी भी डिश को जितना भी प्रेजेंटेबल बनाएं उतना बढ़िया होता है। तो इस तरह से इसे सजा दें। सो गाइस, हमारी बहुत ही टेस्टी सी मिठाई, इंस्टेंट मिठाई ब्रेड की, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो गई है। तो इस होली इसे ज़रूर ट्राई करें, एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने जब ये डिश बनाया तो आपको कितनी सारी तारीफ़ें मिली।
तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच गाइज़।